भवानी माता भवानी। पहले तो आप कैसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो यार सीढ़ियों की संख्या गिनना भूल गए, कितनी सीढ़ियां हैं सर? आप भी पहाड़ी हो गया क्या मुंशारी? यो सर मुंशारी, हम थल गए, थल मुंशारी है। घाट पार नहीं गया, लास्ट बोट पनार पार है और नौटंकी था गोरिल्ला। अल्लाह मलेशिया घूम रहे हो लूटन दे। घर तो मेरो या होला, घर तो मेरो या होए ना, घर मेरो पमशारी, घर चलो छु। दो घंटे से भजन चल रहे थे, मैंने जस के तना मुख लगे, मैंने इधर गया जी ना यार, ऐसी बेइज्जती की थी। इतने लोग देखे हैं, देखो ये देखो। गुड मॉर्निंग है दोस्तों, नई दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं डिफरेंट सी लोकेशन में, और लोकेशन काफी शानदार, जानदार और प्यारी रहने वाली है, क्योंकि मैं हूं अभी डीडी हाट पे और मैं जा रहा हूं मल्लेनाथ स्वामी जी के दरबार में। और आज आपको दिखाता है यार, आज शिवरात्रि के दिन क्या कुछ होता है वहाँ पे। भक्तों का तांता लगा है, मेला है, और जो शिव जी है उसकी स्थली माना जाता है, कुमाऊं का चेराबूजी माना जाता है डीडी हाट को। तो यहाँ से हम जा रहे हैं शेराकोट मंदिर। अभी ये लोकेशन मेरी है, यहाँ जो टॉप दिख रहा है ये शेराकोट मंदिर है। डीडी हाट आते तो यहाँ पे है आपका वन वे, तो आपने ऊपर वाले रास्ते से आना पड़ेगा। तो ये जो लोकेशन है जा रही है आदि चौरा की रोड, ये नीचे जा रही है डीडी हाट की ओर। तो आपने क्या करना है, आदि चौरा वाली रोड में सीधे हो लेना है, रोड सीधी जाएगी, एक रोड लेफ्ट की ओर कटेगी, उस रोड पे आपने जाना है। उसके जस्ट बाद आपको सामने पे जो दिख रहा है पहाड़, ये है मल्लेनाथ स्वामी जी का दरबार। कोट मंदिर के लिए आए थे, इन्होंने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया, मेन मंदिर की ओर गाड़ियां नहीं जाएंगी, वो सही भी है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक देखो यार, यहाँ गाड़ी लगाने आया था 200-300 मीटर तक, तो लगातार ऐसी गाड़ियां लगी हैं, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल रही। तो अभी आई बात जगह ढूंढनी पड़ेगी, सबसे मेन समस्या है जगह ढूंढने की। तो जगह ढूंढ के गाड़ी वगैरह लगाते फिर मिलते हैं सामने पे। घर से सोच के आया था बर्थ करूंगा, लेकिन ये दो महाशय ने बोला कि जोड़े में करते हैं, तो थोड़ी मैं बर्थ तोड़ने वाला हूँ। बाकी पहुंच चुके हैं यार मंदिर के नियर बाय। ये बिल्डिंग कब बनी, क्या बात, शिवरात्रि के लिए? क्या सामने ऊपर मल्लेनाथ स्वामी, और यहाँ से एंट्रेंस गेट, अरे देखिए युवा शक्तिपुरी। अरे वाह, अच्छा यार ये किस, क्या बात है, युवा शक्ति। ये देखिए तोड़, बेर, केला, अंगूर, प्रणाम भाई साहब कैसे हो। ये देखो यार युवा शक्ति के द्वारा जो कंदमूल फल शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है तोड़, उस 10 सालों से मेरा दुर्भाग्य, मैं आज ही पता चल रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से ये सेवा चल रही है और काफी अच्छी पहल है यार, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल है। युवा अगर ऐसे काम करने लगे तो समाज जरूरी आगे को बढ़ेगा। सिराकोट आया, ये चीज क्लियर नहीं कर पाए सीढ़ियां कितनी है। तो आज कम्प्लीटली तथ्यात्मक तौर पर पता करेंगे और प्रैक्टिकली गिनेंगे भी अभी। थैंक यू सर, पूरी ऑथेंटिक खबर होगी अगर। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि आधे रास्ते में सीढ़ियाँ सही है, पिछली बार गिनी थी ना, उससे आगे आज काउंट करूंगा।
का स्वामी जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। आज जितने भी रेंजेज है ना सारी क्लियर है, तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी रेंजेज आपको दिख रहे हैं ये सब जस्टिफाई करने की, क्योंकि कुछ कुछ तो मुझे पता है आप ही हिमालय से दिखता है, मैं भी छिपला गिटार दिखता हूँ और बहुत सारी रेंजेस मैंने खलिया टॉप के थ्रू क्लियर की थी। और बाकी यार यहाँ पे देखो बचपन की काफ़ी यादें क्रिएट होती हुई ताज़ा होती हुई। मलेनाथ स्वामी के बैक साइड वाला व्यू जहाँ पे ये पत्थर सिचुएटेड है, और आप भक्तों की भीड़ देखो यार तहाँ तक इतना लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही पर्वत श्रृंखला है पंचाचूली, और पंचाचूली के जस्ट बगल में आप ये देख रहे हैं छिपला केदार, और छिपला केदार की इस श्रृंखला के बाद आप छोटा सा बर्फ वाला जो हिस्सा देखेंगे यह है नाला लेक। पंचाचूली के बाएं वाला हिस्सा जो आपको दृष्टिगत हो रहा है यह है गढ़वाल श्रृंखला, तो गढ़वाल श्रृंखला का काफी हिस्सा आज यहाँ से स्पष्टतया दिख रहा था। इसके अलावा छिपला केदार के दाएं वाला हिस्सा नेपाल हिमालय का, हिमालय पर्वत के चार भागों में से गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय तथा इससे संबंधित समस्त पर्वत श्रृंखलाएं लगभग आज यहाँ से दिखती हुई। शिव कैलाशों के वासी धौणी धारों के शंकर संकट जय हो भगवान। देखो यार इसमें तो दूध भी चढ़ा है, पंचामृत चढ़ा है, तेल भी है जी। जी अगले साल उसे ब्याह पत्ते ने मैं तो खा रहा हूँ, देखो बोलो बहुत टेस्टी है। तिलेन तिलेन है गया आप तो यार। अभी हमें बागेश्वर से सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो कि हमारी सारी वीडियो देखते हैं, दिल्ली में रहते हैं। आज आप मलेना स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ पे रिश्तेदारी है, तो थैंक यू सो मच यार। अगर आज हमारे को मलेना स्वामी का बुलावा, क्या बात है, और साथ में मुलाकात भी होगी। कैसा लगा मलेना जी के दर्शन में? अच्छा लगा। कैसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और हम उम्मीद और आशा करते हैं आपकी भी पूर्ण हो, और आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ये लोग डे वन से ब्लॉग देख रहे हैं, इनको पता है कि सांप आया था, उनको पता है पूरा। तो कल पक्का था लाइए आप, और आपको अपने घर में इनवाइट करते हैं, तो कल का ब्लॉग वही बनाएंगे पक्का ना? मैं लेने बिल्कुल। बाकी हमारे यार एक नए यूट्यूबर है, चैनल का नाम बता दो। बट ब्लॉगर UK05। क्या बात है, बट ब्लॉगर UK05। हाँ बल और बड़ी जम रहे बट ब्लॉगर UK05। ये सारा प्यार दो। क्या हो रहा है ना, मैं जा भी आ रहा, दो महीने मेरे साथ आ रहे हैं। परसों अस्कोट गया वहाँ भी दिखे, आप मंदिर आए यहाँ भी दिख रहे हैं, ये देखो कुछ तो कनेक्शन है यार। मथुरा गया वही आगे थे ये लोग, आज फिर दिख गए मंदिर में। क्या बात है, अस्कोटिया लोग आज यहाँ गए यार हमारे क्षेत्र में, कुछ ही नहीं दिया। मैं आज बहुत दादागिरी दिखूं थी ना, एम दिखूं तुम पैर चला ए कहाँ है यार ये मंदिर में जाएगा। अच्छा किस्मत देख रहा मेरी दो घंटे से वजन चल रहे थे, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, जस के तना मुखला गया, मणि इधर गया जी ना यार, ऐसी बेइज्जती की थी। इतने लोग देखे हैं, देखो ये देखो बोल मलनाथ स्वामी की कतु कुछ है नहीं, जैकेट ला रही है बहुत महंगा है वाली, आज मंदिर लेकिन खरीद लेते हैं स्पेशल। कितना ही नाम सुन कर के बाबा मैं आया हूँ, क्या बात है बाबा,
क्या बात है। कैलाशो के वासी धौरी धारो के आजा शंकर शंकर हर नाम जगदम्बा हे नाथा भवानी नारायणी मेरे तुरेगा भवानी जय हो पहली नमक तो के पहली ढोको के जैसे कंगाड़ी भगवती बारा ही पड़ते मैं साल पुत्री किसने ब्रह्मचारिणी बनिया मैया नारहणी मेरी दुर्गा भवानी ओ नारहणी मेरी माता भवानी जय जगदम्बा हे दुराता भवानी हे नारहणी मेरी सोएगा भवानी। मेरे ब्लॉग में गाना सुना का घर तो मेरो यहाँ हो लो घर मेरो पमशारी घर चलो चु आएगा जी दार चूल्हा मुनशारी जो जो रेलाई में तो उसके निर्माता ये हैं। इनको प्याज भुट्टू दा कहते हैं जलेबी तो टेस्टी बड़ो नन और विद्यासागर की स्कूल बस भी चलाते हैं और अपने आप में रामला का मंचन करते हैं हनुमान साहब जी हनुमान बनते हैं और मतलब बहुमुखी पर ऐसे लड़के नहीं है मतलब ये एक ही सुनान मतलब एक या सुनान तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। गुरु श्यामा मल मले नाथ धामा जय हो पमशारी जन्म मेरो नरेंद्र नाम आप नरेंद्र नाम डीडी हाटा इंटर कॉलेज पढ़ भाई लोगो भुलभुली भामा जय हो घर तो मेरो या होला घर तो मेरो घर मेरो पमशारी घर चलो छू मुनशारी जो जो रे हमारे मामा जी जो कि रामला में बनते हैं रावण सगले ले रावण लागू मान यो चाव पे गोरे चाव पे यो कद काठी देखो यो है मैं यहाँ बानर जा मैं बनता भी बनता रही हूँ नहीं नहीं ब्लॉगर है नहीं नहीं गलती हुई मतलब मार जाए जी। तो चंद्रकला ब्लॉग सुनिए चंद्रकला पहाड़ी ब्लॉग करके इनका चैनल है कि हर कोई ब्लॉगर बन सकता है ऐसा होता नहीं है ठीक है समझ रहा है मेरी बात मुंह मत लड़ाना दोबारा और कोई चेन खुश दिया हमें यहाँ पर यार लगन निकाल है नवंबर में चेन नहीं मिलता ये ब्योल मिल गया आज जय हो ये मैं यहाँ पर चाहे दिया ठीक है जय हो यार हमारे काफी पुराने मित्र हैं काफी लंबे टाइम बाद आज मिल रहे हैं यार जितने भी लोग हैं ना मिले ना स्वामी के दरबार में मिल रहे हैं तो काफी अच्छा लगा यार लगभग दो तीन कैसे हो कैसे हो बढ़िया हो गए दर्शन चलो धन्यवाद देखते रहा करो अरे ठीक हो ठीक है सौराज वाले भी मिल चुके हैं सौर जी ये हमारे के नाम भैया ना चली जागो बट्टू के मामा और सासुआ और बट्टुआ ही और बट्टुआ हाय बोल दो हाय तो बोलो हाय बट्टुआ तू बोल भाई बोल कि आए तो नाग में शिकवाण जो बंदा तहसील में जॉब करते हैं 12th पीसीएम से पास है मैं नाग में पसीने रहो बचपन में भूख है पसीने उबल नहीं साइंस नाम की कोई चीज होती है यार हमारे पास आप दिखाओ आप कह रहे हैं ना मैंने कह रहे पास है तो ये तो गीत गाती वाला ब्लॉग हो गया यार गीत गाती करी ना अपने ब्लॉग में दोस्तों लेकिन सच में कह रहा हूँ ब्लॉगर ने आतंक मचाया हर जगह मैं भले ब्लॉगर हूँ तूने ठीक नहीं भाई यार अब यूट्यूब बंद करा यार बाय गॉड मतलब हर दूसरा बंदा ब्लॉगर है मैं खुद हूँ लेकिन पहले नहीं थे अभी इतने पीछे जा बटे ध्यान दे तू है ना जब खूबसूरत चेहरे आप ब्लॉग में दिखाते व्यूज बढ़ जाते हैं सही बात है हटाओ ना यहाँ मैंने इसको श्रावण मेले वाले वीडियो में भी दिखाया था मेरे उसमें वो लग गया डिसलाइक बाय गॉड कॉपीराइट का ऑप्शन वो आ गया चैनल डूबते डूबते बचा है मैं सलवार खाए मैं मर जाऊ भगवान कसम यार प्लीज यार कट कर देना यार अपने लड़कों को ऐसी संतानों से दूर रखना ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं कोई भी तहसील में ना जाए यार ये तो प्रोफेशन बोल दिया ए ऐसा मत बोल ले चुप रे बाजार में बात कौन की लाएगा बाद में 1000 तो कमा रहा है उसको भी मत कमाने दे तू मुझको क्यों धोया इससे पहले की मेरी बारी आई कैमरा करता हूँ सामने एक भाई है तू नहीं तू बार बार क्यों आता है इसको ला रहा हूँ बीच में
तो भाई का यूट्यूब में चैनल है, किस नाम खोलिया? रब्बू खोलिया करके इनका ब्लॉग है। कहाँ घर, कहाँ हुआ? घर जोराशी। अरे जोराशी के हो? अच्छा चलो ठीक है, तुम तो पड़ोसी तो कहा की भी हो नव राय? बढ़िया, कैसे हो, क्या पी रहे हो? कदम से आ रहे हो, कहाँ भी हो घर? भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो सीमा के साथ साथ आज मलयनाथ स्वामी के दरबार में यहाँ पे चाय की सेवा दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। चाहा को होटल खोलू लो इतनी टनकपुर, लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, हमको तो गोरल जा रही हो। अरे वो नहीं है, ये चाय नहीं जा रही हो, ये इस्माइल जाओ नहीं हो, मणि मैं आप बल्ली दी दिया जाको, हाँ मैं हाथ बढ़िया वो इस साथ बढ़िया है, यो बढ़िया है। वह समय दिन के 1:15, लेकिन अभी भी भक्तों का तांता लगातार बना हुआ है यार, देखिए लगातार भीड़ जा रही है। हमने एक बार खाया था आपके वहाँ लवी का भल्ला लाया था, इतना टेस्टी लगा, दोबारा आ रही हूँ। घर वाला फील है पूरा, आग में बनता है यहाँ पे, अगर जिसको भी यार आते हो तो यहाँ पे आइए जरूर। गद्दे भी है हमें ना कहता ना राग आ रहा, इस वाले में ऐसे खाओगे, दुवार वाल में 4 रुपए से, तियार वाल में 4 रुपए तक का गद्दा होता है। तो जब भी आते हो, ये तहसील रोड है, इसके लेफ्ट की ओर है, तो यहाँ पे आके आप खा सकते हो, खाना मिल जाएगा। यार मैं घर गई यार, वहाँ टिक्की दूँ, ये आप डालो वाला, ये तुम भी डालो, ये आपके सिचुएशन।